सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने, केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। बिहार की सत्ता से बाहर जाने के बाद से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले थे, उसके बाद से पटना के गांधी मैदान में बड़े संख्या में लोग जुटे थे, महारैली का आयोजन किया गया था, बड़ी भारी संख्या में लोग जुटे थे। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने सबको धन्यवाद किया प्रेस वार्ता करके, साथ ही उन्होंने बीजेपी पर और एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए साफ साफ कहा कि ये सरकार जो बनी है सिर्फ लालू जी को और हम लोग को गाली देने के लिए बनी है, इस सरकार में एक डेढ़ महीने से कुछ काम नहीं हो रहा, हम लोगों ने जो बजट में के लिए काम किया वही बजट इनके वित्त मंत्री ने पढ़ा है। सुनवाते हैं आपको तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा किया, जन विश्वास यात्रा, और हर जगह जो है लोगों का हुजूम, जगह जगह भर रास्ते, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, लोगों का आशीर्वाद, प्यार और विश्वास और ताकत लोगों ने दिया। इसके लिए हम सभी बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से, और मात्र 10 दिनों के अंदर, यानी आप समझिए कि पिछले माह के 22 तारीख को ही हम लोगों ने ये तय किया था कि रैली हम लोग करेंगे, और 3 तारीख को रैली की है, यानी केवल 10 दिनों के अंदर जन विश्वास महा रैली हम लोगों ने किया। रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद भी लाखों लाख के तादाद में लोग जुटे, एक ऐतिहासिक और एक सफल रैली का आयोजन किया गया, और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने एक ऐतिहासिक रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया का गठबंधन, ये मजबूत है, और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। लोगों का जिस हिसाब से उत्साह था, एक एनर्जी थी, एक वाइब्रेंट रैली आप कह सकते हैं था, बारिश हो रहा था लेकिन सुबह से लोग डटे हुए थे, शाम में 4 बजे रैली खत्म हुई, कोई जो है मैदान से हिला नहीं, जितना मैदान में लोग थे उससे ज्यादा सड़क पे लोग थे, तो एक ऐतिहासिक रैली हुआ। उन तमाम जनता को हम धन्यवाद देते हैं, सभी महागठबंधन के पार्टियों को, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सफलता के, और आने वाला जो चुनाव होगा, साफ तौर पे जो हम लोगों ने लकीर खींची है, हम लोगों ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां बहालियां निकाली है, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियुक्त शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट किया, स्वयं सहायक समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ, आईटी पॉलिसी के साथ साथ, टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे, बिहार का, देश का नाम रोशन करेंगे, उनको भी हम लोगों ने नौकरियां दी, और हाईएस्ट लेवल है इस मामले में, डीएसपी के लेवल तक का नौकरी जो है लोगों को मिलेगा जैसा वो मेडल लाएंगे। तो खेल के साथ साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं,
हम लोगों ने नौकरियां देने का काम, हम लोगों ने 17 महीने में लोगों के हाथ में कलम दिया, और वही बीजेपी के लोग केवल लफड़ बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है? इतने महीने हो, 1.5 महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है, तो आखिर मामला क्या है? खैर, ये सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, इससे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने की, कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण के सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाए, नौकरियों की बात करते हैं, डेढ़ डेढ़ रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते थे, तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। 1-1.5 महीना से कोई काम नहीं हो रहा, और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन, जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े हैं, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे हैं। ये बजट में देखे तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सरकार पर, बिहार सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री विस्तार का कब होगा मंत्रिमंडल का, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हो जाना चाहिए सही समय पर। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सरकार बनी है सिर्फ गाली देने के लिए, हम लोगों ने तो नौकरी दिया है और हम लोग एक लंबी लकीर खींच दिए हैं, जिस तरीके से 17 महीने में हम लोगों ने काम किया है और जनता सब देख रही है। जनता को लेकर के हम लोग जनता के बीच जब जाएंगे तो इसी मुद्दे को लेकर के, नौकरी और महंगाई को लेकर के हम लोग जाने वाले। साथ ही आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि क्यों नहीं, उनको तो पूछना ही चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा, सही से जवाब बीजेपी के लोग नहीं दे पा रहे हैं।